का अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान का साथ देते हुए उनसे बातचीत की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसे आतंकवाद को पालने वाले देश से कोई बातचीत भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू न केवल भारत के शहीदों का मजाक उड़ा रहे हैं बल्कि सिख समुदाय को भी लज्जित किया है। साथ ही कहा है कि सिख समुदाय ने हमेशा देश के लिए अपने प्राणों की बलि दी है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू देश की बात न करते हुए दुश्मन राष्ट्र से बातचीत करने को कहते हैं। पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान जाकर रहना चाहिए। बातचीत से समस्या का हल करने का जो सुझाव दिया गया है ये बहुत निंदनीय है। कांग्रेस को नवजोत सिंह सिद्धू जैसे व्यक्ति को पार्टी से निकालना चाहिए, निलंबित करना चाहिए। और देशवासियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू जहां भी जाएं देश में उनके पुतले जलाएं, उनके चेहरे पे कालक पोतें। ऐसे गद्दार को देश में रहने का अधिकार नहीं है, उनको पाकिस्तान में जाके रहना चाहिए। उन्होंने सिखों का भी अपमान किया, सिखों का इतिहास बरसों पुराना है। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद देव जी चारों बच्चों को कुर्बानी दे दी हमारे देश की खातिर, लेकिन सिद्धू जी का ये कृत्य बर्दाश्त नहीं करेगा देश। मेरा अनुरोध है राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कि उनको तत्काल कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त करें और उनको मंत्री पद से हटाएं। मैं तो बधाई दूंगा पंजाब के मुख्यमंत्री जी को भी, उन्होंने अपने सदन में पाकिस्तान की भर्त्सना की, आतंकवादियों की भर्त्सना की। उनके ही मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने कांग्रेस के नगरीय निकाय मंत्री पंजाब के समझौते की बात करते हैं। 40 राष्ट्रों ने पाकिस्तान पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के गद्दार नवजोत सिंह सिद्धू जैसे व्यक्ति ने ये कहा कि पाकिस्तान से बातचीत होना चाहिए। हमारे सैनिक 42 सैनिक मारे गए, हमारे सैनिक शहीद हुए, भारत माता के लाल शहीद हुए, हम उनके कारण जिंदा हैं। हमारे देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं, हम नींद ले रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। मैं सिद्धू जी से आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति जिस दिन आतंकवादी उसको शहीद करेंगे, जब आपको अकल आएगी और जब आपका दिमाग में आएगा कि शहीदी क्या होती है, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं उनकी।